दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को इस्तेमाल करके फ्लाइट टिकट बुक किए जाते हैं, यानी कैसे अपने मोबाइल से प्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं सस्ता टिकट। तो चलते हैं फटाफट सीख लेते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ़ोन पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके कैसे फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपको पता नहीं है कैसे फ़ोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है तो इस पर मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से वॉच करके सीख सकते हैं कैसे इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के बहुत सारे बेनिफिट है, जो कि फ़ोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। जो कि प्लेन का टिकट भी बुक कर सकते हैं, बस का और मोबाइल रिचार्ज, जितने भी ऑनलाइन पेमेंट होता है सारे कर सकते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और सीख लेते हैं कैसे प्लेन का टिकट बुक किया जाता है सस्ता। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्विच, इस पर क्लिक कर लेंगे। और स्विच पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि इस फ़ोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो आप भी इस बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्क्रॉल करके देख लेंगे इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा गो आई वीवो फ्लाइट, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑफ़र दिखाई देगा, देख सकते हैं अप टू 2000 रुपये आपको ऑफ मिल जाएगा डिस्काउंट, जो कि फ़्लाइट टिकट बुक करेंगे तो इसको रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पर सिम और पर क्लिक कर देंगे। जैसे सिम और पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा। होने के बाद ऊपर में दिखा रहा है, देख सकते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट बुकिंग, तो इससे डोमेस्टिक ही फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, यानी कि इंडिया से एक शहर से दूसरे शहर के लिए टिकट फ़्लाइट बुक कर सकते हैं प्लेन का। तो देख सकते हैं और देखने के बाद आपको टिकट, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से दो ऑप्शन आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है जो कि वन वे और राउंड ट्रिप। तो अगर आपको एक तरफ का टिकट बुक करना है तो वन वे पर क्लिक करेंगे और राउंड ट्रिप यानी उन्हें इधर से जाने का आने का टिकट बुक करेंगे तो राउंड ट्रिप पर क्लिक करेंगे। तो राउंड ट्रिप बुक करने के ये एडवांटेज बेनिफिट होता है कि जो कि राउंड ट्रिप अगर आप बुक करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए कि एक साथ आप दो टिकट बुक करेंगे। तो चलिए वन वे टिकट बुक करके सीख लेते हैं कैसे बुक किया जाता है। तो वन वे पर क्लिक करेंगे। वन वे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिल्ली दिखा रहा है, यहाँ पर मुंबई दिखा रहा है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देगा दो शहर के नाम, और यहाँ जहाँ आपको जाना है, जहाँ से मान के चलिए हमें पटना से मुंबई दिल्ली तक जाना है तो हमें दिल्ली पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप कर लेंगे पटना। तो जैसे पटना क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं नीचे में ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है पटना का जो एयरपोर्ट है दिखा रहा है यहाँ पर जयप्रकाश एयरपोर्ट, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ मुंबई पर क्लिक करके यहाँ पर दिल्ली टाइप कर लेंगे। तो दिल्ली, जैसे दिल्ली टाइप करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, तो दिल्ली पर क्लिक कर लेंगे तो दिल्ली हो चुका है, देख सकते हैं पटना टू दिल्ली। और यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्ट लिखा हुआ है, डिपार्चर, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो डेट के जाना चाहते हैं, जो डेट का आप टिकट बुक करना चाहते हैं, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं मार्च 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर 25 मार्च हो चुका है। और ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ पैसेंजर, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं ऐड कर लेंगे पैसेंजर, जिसको जाना है, कितना आदमी को जाना है वो ऐड कर लेंगे। तो प्लस पर क्लिक करेंगे तो प्लस होगा 1, 2, 3, 4, 5 जितना आदमी को टिकट बुक करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं सिंगल एक आदमी को अपने लिए टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस पर 1 रहने देंगे। और यहाँ पर चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लेंगे, तो 2 से 12 साल का बच्चा होगा तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको 2 साल तक बच्चा होगा तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो इससे प्लस माइनस करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं ऐसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फिर से एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि लिखा हुआ है क्लास। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इकोनॉमिक लिखा हुआ है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास और प्रीमियम इकोनॉमिक्स। तो ये सब महंगा टिकट है, ज़्यादा इसके लिए पैसा लगेगा, ये बड़े बड़े आदमी बिजनेसमैन जाते हैं, इसे ट्रेवल करते हैं, तो इकोनॉमिक पर हम रहने देते हैं, इसलिए हमें सस्ता टिकट चाहिए तो इस पर रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट सेट गो पे। तो जितने भी पटना से दिल्ली जाने वाली प्लेन होगी यहाँ पर सारे आ जाएगी, देख सकते हैं जो कि गो एयर आ चुकी है। और नीचे तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इंडो गो, स्पाइस जेट,
तो सारे यहाँ पर ये और नीचे की तरफ देख लेंगे, और देखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्लेन का नेम दिखा रहा है, यहाँ पर ड्यूरेशन दिखा रहा है जो कि आपको 1 घंटा 50 मिनट लगेगा दिल्ली जाने में, और नॉन स्टॉप है जो कि बीच में कहीं रोकने वाली नहीं है, पटना से डायरेक्ट दिल्ली तक जाएगी। और यहाँ इसका प्राइस दिखा रहा है 2038 रुपये। तो सारे चीज़ चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं फास्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी जल्दी लेके जाने वाली होगी जैसे कम समय में तो वो आ जाएगी। तो देख सकते हैं फास्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर 1 घंटा 35 मिनट में लेके जाएगी ये स्पाइस जेट। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली लगता है, पैसा ज़्यादा पैसा लगेगा थोड़ा सा। तो जो भी चाहे सस्ता चाहिए तो इस पर रहने देते हैं, तो इस प्राइस पर क्लिक करके इसी को रहने देते हैं गो एयर पर, और क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर लेंगे, सारा देखने के बाद क्लिक कर देंगे इस पर। तो देख सकते हैं क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दिखा रहा है पटना से दिल्ली, और यहाँ पर ड्यूरेशन भी यहाँ पर भी दिखा रहा है जो कि प्लेन का सिंबल दिखा रहा है 1 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कैंसलेशन एंड बैगेज पॉलिसी, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पर 15 kg आप लगेज में लेके जा सकते हैं जो कि चेक इन लिखा हुआ है, और केबिन यानी साथ में हैंड में लेके जा सकते हैं 7 kg। तो ये देख लेंगे, देखने के बाद यहाँ पर फेयर रूल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कैंसलेशन देख सकते हैं कैंसलेशन चार्ज दिखा रहा है जो कि आप टिकट अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ इतना आपको चार्ज देना होगा बुक करने के बाद। करने के बाद बैक पर क्लिक कर देंगे, बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दे रहा है कैंसलेशन प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे तो 300 रुपये आपको लग जाएगा। अगर कैंसिल आप टिकट करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ओनली ये 300 रुपये अभी 400 रुपये पे करना होगा। तो फ्यूचर में इनकेस अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको एक भी चार्ज नहीं देना होगा, जितना पैसा आपका लगेगा उतना उस समय वापस कर दिया जाएगा। तो ये है कैंसिलेशन प्रोटेक्शन का बेनिफिट, तो आपका मर्जी है, अगर ऐसे भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिखा रहा है सेलेक्ट ऑफर, तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा आपको डिस्काउंट यहाँ पर भी मिल जाएगा जो कि 150 रुपये और 110 रुपये। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर करेंगे प्रोमो कोड तो आपको थोड़ा सा 110 रुपये मिलेगा, और वॉलेट से इस्तेमाल करेंगे वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो 150 रुपये मिलेगा। तो चलिए मैं वॉलेट पर ही रहने देते हैं, जैसे कि मैं पेमेंट करूँगा तो आपको इतना डिस्काउंट भी मिलेगा, और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आ चुका है ब्रेकफास्ट लंच जो भी बोले, तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा। और आप अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है 320, 320, 400। तो चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्किप पर क्लिक करके ऐसे छोड़ सकते हैं, और उसके बाद बैगेज पर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो बैगेज पर क्लिक करके अगर आप चाहते हैं कि लगेज ज़्यादा ले जाने के लिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है 5, 10, 15, 30, तो इसका प्राइस भी लिखा हुआ है। तो इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इसको आपको 1100 रुपये देना होगा, 30 kg लेके जा सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं लेके जाना चाहते हैं, जितना आपको बाई डिफ़ॉल्ट 15 kg और 5-7 kg हैंड में जो दिया हुआ था वही लेके जा सकते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट आप लेके जा सकते हैं, एक्स्ट्रा के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं चाहते हैं तो। उसके बाद सीट पर क्लिक करेंगे, सीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सीट आ चुका है जो कि यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कोई खुद से अपना सेलेक्ट करने के लिए सीट, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा, देख सकते हैं इतना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्री दिखा रहे हैं, यहाँ 600, 200 ऐसे करके यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, कलर बाई कलर दिया हुआ है। ये प्लेन का आपका सीट है, ऐसे प्लेन का सीट रहेगा, और विंडो सीट इधर है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में विंडो सीट है। तो आप अगर विंडो के पास कोई सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा आपको देना होगा, अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो। अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे इसमें से तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाएगा, जो भी प्लेन का रूल होगा जहाँ पे आपका सीट पड़ेगा वहाँ पे आपको सीट दिया जाएगा। तो सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको पैसा देना होगा इसके लिए। तो चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से प्राइस देख कर, और कलर बाई कलर यहाँ से मैच कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कलर है उसका प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है, तो ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्लेन में हमको टिकट मिलेगा वहीं पर हम जा सकते हैं, तो हम छोड़ देते हैं ऐसे। तो उसके लिए स्किप पर क्लिक करेंगे, तो स्किप पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि ऊपर में लिखा हुआ है ट्रेवलर नेम, तो इस पर क्लिक कर लेंगे और अपना नाम डाल देंगे इसमें। और इसमें सफर प्लेन में ट्रेवल करने के लिए इंडिया में आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर पासपोर्ट हो तब भी चलेगा, नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट एक आईडी होना चाहिए आपके पास, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो कोई भी होना चाहिए एक। तो जो भी इस्तेमाल करेंगे उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी आप आईडी लेकर साथ में जाएंगे उस आईडी पर अपना जो भी नाम होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
तो आईडी में आपने चेक करके नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, वो आईडी आपको साथ में होना चाहिए प्लेन में, जब भी जाएंगे चेकअप होगा तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो पहले मिस्टर पर क्लिक कर लेंगे, जेंस है तो मिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लेंगे। फर्स्ट नेम में जैसे मैं अपना अर्जुन डाल दिए, और लास्ट नेम में टाइटल डाल देंगे जो भी टाइटल होगा। और डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिख टाइप कर क्लिक कर देंगे एड ट्रैवलर पे, तो ये ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर अर्जुन दिखा रहे हैं, ऐड हो चुका है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, योर टिकट इन्फो विल बी सेंड हेयर, तो इस नंबर पर आपको टिकट सेंड किया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इस मोबाइल नंबर को रजिस्टर किया है अपना फ़ोनपे में, तो यहाँ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिस नंबर पर आप मंगाना चाहते हैं टिकट वो यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी। तो चलिए मैं उसी को रहने देता हूँ मोबाइल नंबर को और अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो ईमेल आईडी डाल देंगे, डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस दिखा रहा है जो कि अमाउंट, और यहाँ पर देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पेमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे इसका डिटेल दिखा रहा है टिकट का जो कि 25 मार्च का है। और यहाँ से देख सकते हैं जो कि भीम UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं और फोन पे से भी पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे पे करना है। तो फोन पे में देख सकते हैं 510 रुपये है, तो फोन पे में मेरा बैलेंस नहीं है, लेकिन फोन पे से अगर आप पे करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस पे पर क्लिक कर देंगे और आपका जो भी MPIN होगा वो डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपका बैलेंस कट जाएगा और यहाँ पर 2,308 रुपये कट जाएगा। और 14 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर सेकंड चल रहा है, इतने टाइम के अंदर ही आपको सारा डिटेल फिलअप करना होगा। अगर आप ATM कार्ड से पैसा पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है यूज अनदर डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद जो भी देख सकते हैं ATM पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये 16 अंक का जो भी है नंबर है यहाँ पर टाइप करेंगे और 16 अंक यहाँ पर एक्सपायरी इसका डाल देंगे ये वाला, और इसके बैक साइड में 3 नंबर होगा यहाँ पर डाल देंगे CCV नंबर, और डालने के बाद पे पर क्लिक करेंगे कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिक आपका ATM से पैसा कट जाएगा उतना यहाँ 2,308 रुपये, और आपका टिकट बुक हो जाएगा और उसी मोबाइल नंबर पर चला आएगा। तो ऐसे करके आप बुक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।